नमस्कार दोस्तों, माय टेक की सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इंस्टाग्राम स्टोरी के बारे में। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको दो इंस्टाग्राम स्टोरीज की आइडिया दूंगा। अगर वो आप यूज़ करोगे, वो किस तरह की आइडिया है वो अगर आप अपने खुद की इंस्टाग्राम स्टोरी बनाते समय यूज़ करोगे तो 100% मैं बताता हूँ कि आपकी स्टोरी बहुत ही अच्छी बनेगी। उसी के साथ बहुत सारे आपके स्टोरी देखने वाले लड़के हो या कोई भी हो, यूज़र फॉलोअर्स आपके, वो आपकी जो है सेम स्टोरी कॉपी करेगी। इतनी बढ़िया स्टोरी मैं बताऊँगा, तो बहुत सिंपल भी है और अच्छी भी है। वीडियो लास्ट तक देखिए और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलेंगे और एक भी फेक वीडियो चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों साइड में स्क्रीन दिख रही है, बस इस स्क्रीन को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा किस तरह से इसको बनाना है। तो गाइस पहले तो हमें इंस्टाग्राम स्टोरी बनाना है, इसलिए इंस्टाग्राम ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद गाइस यहां योर स्टोरी के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपकी स्टोरी जो भी है यहां स्क्रॉल कर दीजिए, न्यू स्टोरी डालना है, इसलिए आपको यहां पर आ जाना है। यहां पर आ जाने के बाद गाइस यहां पर आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं बैक कैमरा ऑन कर देता हूँ। तो गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर फोटो पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर गैलरी से आपको कोई भी एक वाली फोटो लेनी है आपकी, तो चलिए फोटोज पर क्लिक कर देता हूँ। और मेरी कौन सी तो एक फोटो समझिए, ये वाली फोटो मैंने ले ली। उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर इफेक्ट के ऑप्शन पर आना है। और गाइज मैं आपको ये वाला इफेक्ट दे रहा हूँ, यहाँ पर एक बता तो मैं आपको। तो गाइज यहाँ पर एक इफेक्ट है, फर्स्ट में आप देख सकते हो शेकिंग प्लस RBG, ये वाला इफेक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाद में डन कर देना है और उसके बाद म्यूजिक के ऑप्शन पर क्लिक करना है, म्यूजिक पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर अच्छे से उस फोटो पर मैच होने वाला सॉन्ग लगाना है आपको। चलिए कि मैं डॉन वाला एक सॉन्ग है वाला लगा कर दिखाता हूँ आपको, तो किस तरह से स्टोरी दिखेगी। इसको नीचे डाल देना है। तो गाइस इस तरह से आपकी स्टोरी बन जाएगी, उसके साथ कई टेक्स्ट भी डाल सकते हैं आप, यहाँ पर हैशटैग लगा सकते हैं।